हेलो गाइस, सुनीतास किचन में आपका स्वागत है। तो आजकल आपको पता ही है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो आज हमारा मन किया चटपटा खाने का, इसलिए हम आज बना रहे हैं समोसे। तो समोसे बनाने के लिए हमने 5 से 6 आलू लिया है, इनको बॉईल कर लिया है, अच्छे से मैश कर लिया है, आधा कटोरी फ्रोजन बटर लिया है, 1 कटोरी मैदा लिया है, आधा कटोरी ऑयल लिया है। इसमें आपकी मर्जी है कि घी यूज कर सकते हैं, डालडा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड लिया है। 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, इसे मैंने थोड़ा कूट लिया। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। 1 कटोरा ले लिया है मैंने बड़े साइज का, इसमें हम अपनी मैदा डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे, अजवाइन को थोड़ा मसल कर डालेंगे, और इसमें ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इस तरह से आप लड्डू बना के देख लें, अगर ये लड्डू बन जाए तो आप देखिएगा कि मोयन इसमें अच्छे से मिल गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है, आधा आधा करके ही डालना है पानी को, एक साथ नहीं डालना है, आटा पतला भी हो सकता है। ध्यान रहे कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो, अगर पतला हो गया तो आपके अच्छे से समोसे नहीं बनेंगे एकदम क्रिस्पी। आटा थोड़ा टाइट ही रखना है, जैसे पूड़ियाँ बनाते हो उस तरीके से आटा रखना है टाइट। तो आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे, पपड़ी ना पड़े इसमें। आइए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें सूखा धनिया डालेंगे, तो इसमें डाला हमने सूखा धनिया। अब हम डालेंगे मटर, मटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए फिर ये, अब इसमें डालेंगे आलू, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अंडा ले आधी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार आधी चम्मच हल्दी। तो आप देख सकते हैं मेरी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसमें थोड़ी सी कटी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब स्टफिंग को रख देंगे हम ठंडी करने के लिए। तो आइए हम हरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया है बड़े साइज का, 3 हरी मिर्ची लिया है, कुछ धनिया लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है, धुल लिया है, नमक स्वाद अनुसार, आप देख सकते हैं इधर हमारी स्टफिंग भी तैयार है, इधर ये हमारी हरी धनिया की चटनी भी तैयार है, और इनको कर देते हैं साइड में। इधर हमारा आटा भी तैयार है, अच्छे से आटा तैयार हो गया। इस तरीके से हम पूड़ियाँ बना लेंगे, लंबी वाली शेप में बना लेंगे पूड़ियाँ समोसे की।
ताकि बीच में से कट के दो समोसे बन सकते हैं आराम से। आप देख सकते हैं हल्का सा इसमें पानी लगाएंगे। पानी लगा के इसकी ये वाली सेब ले लिए, इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि इसका मुंह न खुले। ये अपने यहाँ पर रख के आपको इस पर मसाला डालेंगे। मसाला अपने हिसाब से डालें, कम भी ना रहे और ज़्यादा भी ना हो, ताकि आपका समोसा सेकने में फट जाए। हल्का सा पानी यहाँ भी लगाएंगे, इसका भी मुँह अच्छे से बंद करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे समोसे की सेक कितनी सुंदर आई है। तो आप देख सकते हैं उसी तरह मैंने बाकी समोसे भी तैयार कर लिए हैं। ना साइज छोटा है ना साइज बड़ा है, मीडियम साइज रखा है मैंने इनका। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इधर मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धीरे धीरे इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, ज़्यादा तेज गैस पर जल भी सकते हैं। हमें समोसे क्रिस्पी बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं समोसे हमारे एकदम से लाल हो गए। तो आप देख सकते हैं जो समोसे मेरे अच्छे से सिक चुके हैं उनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम करारे समोसे बने हैं। हमारा समोसा कितना क्रिस्पी बना है, एकदम से आवाज आएंगे। आप देख सकते हैं हमारे समोसे एकदम तैयार हैं। हरी चटनी सॉस के साथ इन्हें हम सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।